अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि नम्स टेस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गई है, तो इसमें अप्लाई करने का क्या मेथड है वो मैं इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट डिटेल दूंगी। अब नम्स का टेस्ट क्यों ज़रूरी है, हम ये टेस्ट क्यों देते हैं? नम्स का टेस्ट देने के बाद आप नम्स में या इससे एफिलिएटेड प्राइवेट और पब्लिक मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि AMC यानी आर्मी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपके पास तीन तरीके होते हैं, जिनमें से फर्स्ट मेथड मैंने आपको बताया था कि नम्स होता है। अब इसमें आप अप्लाई किस तरह से करेंगे, सबसे पहले आप लोग नम्स की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करेंगे। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। जैसे ही आप इस वेबसाइट को ओपन करेंगे, आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जहाँ पे डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट आपके पास आ रही है। आप यहाँ पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन वाली वेब एडवर्टाइजमेंट को ओपन कर लेंगे। अब यहाँ पे आपको कुछ बेसिक डिटेल्स लिखी हुई है कि रजिस्ट्रेशन 12 जुलाई से स्टार्ट हो रही है, एंडिंग डेट 10 अगस्त है, और एंट्री टेस्ट की डेट आपकी 3 अक्टूबर है, और आपकी फीस 3000 है। रजिस्ट्रेशन के लिए आप इस पे लिंक पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके पास के पेज ओपन हो जाएगा। इसमें आप ऊपर देख रहे हैं कि आपको ये तीन ऑप्शंस नज़र आ रही हैं। फर्स्ट ऑप्शन में आपके पास लिखा हुआ है CNIC फॉर्म बी फॉर लोकल कैंडिडेट्स, कि CNIC या बे फॉर्म उनके लिए जो लोकल कैंडिडेट्स यानी जो पाकिस्तानी शहरी हैं। उसके बाद सेकंड ऑप्शन आपके पास है NICOP फॉर ओवरसीज डुअल नेशनलिटी कैंडिडेट्स, वो बच्चे जो किसी और कंट्री से आए हैं या जिनके पास दो नेशनलिटी, जिनके पास पाकिस्तान की भी या जर्मनी किसी और भी कंट्री की उनके पास नेशनलिटी है, उनके लिए ये ऑप्शन है। फॉर फॉरेनर जो किसी और कंट्री से आए हैं, उनके लिए पासपोर्ट नंबर है। जो कि पाकिस्तानी शहरी हैं वो फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे फर्स्ट टाइम यूज़र क्लिक हेयर टू रजिस्टर पर आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप अपना CNIC नंबर लिखेंगे। CNIC नंबर आपने भी डैशेस लिखना है। CNIC नंबर लिखने के बाद आपने अपना नेम लिखना है, और नीचे ये लिखा हुआ है एज पर CSSC, इसका मतलब ये कि आपका वो नेम जो आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेट पे लिखा हुआ है, चाहे वो गलत भी लिखा है, उसका स्पेलिंग गलत है, आपने वही नाम लिखना है, वही स्पेलिंग लिखना है। अपना कंप्लीट नेम लिखने के बाद आप अपनी यहाँ पे ID लिखेंगे, ईमेल ID, और ईमेल ID वो दीजिएगा जो एक्टिव हो, जो आपके पास लॉगिन हो, क्योंकि फर्दर आपके पास कोई भी मेल वगैरह आएगी तो इसी पे आएगी। नेक्स्ट आपके पास पासवर्ड है, पासवर्ड आप अपना कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और पासवर्ड याद रखिएगा, जब भी आप दोबारा साइट पर लॉगिन करेंगे आपको पासवर्ड रिक्वायर होगा। पासवर्ड सेट करने के बाद नीचे कन्फर्म पासवर्ड, फिर से यही पासवर्ड आपने टाइप कर देना। नेक्स्ट आपके पास वो कहेगा एंटर द वर्ड्स, ये जो वर्ड्स लिखे हुए हैं आपने इन्हीं को नीचे टाइप कर देना है। करने के बाद आप यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे आपके पास नेक्स्ट स्टेप ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, स्टेप वन आपके पास था अपलोड कैंडिडेट फोटोग्राफ एंड CNIC, आपने वो कंप्लीट नहीं किया। स्टेप टू प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन आपने देनी है। स्टेप थ्री आपका होगा डाउनलोडेड अपलोड चलान। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने यहाँ पे क्या करना है कि अपनी कोई पिक्चर अपलोड कर देनी है, यहाँ से चूज फाइल कर। अब इसमें आपके पास कुछ कंडीशन दी गई हैं कि आपकी जो इमेज है उसका साइज लेस देन 1 MB होना चाहिए, 1 MB से कम की इमेज होनी चाहिए। अगर आपकी इमेज का साइज ज़्यादा है तो आप ऑनलाइन फाइल कंप्रेस कर सकते हैं, और उसके बाद आप यहाँ से चूज फाइल पे क्लिक करके कोई भी इमेज जाके सेलेक्ट कर लेंगे। ओपन करने के बाद आप इसे यहाँ पे अपलोड कर देंगे। जैसे ही अपलोड करेंगे ये साइट एक दफा रिफ्रेश होगी। मैंने इसे फर्जी तौर पर फिल किया, लेकिन आप यहाँ पे अपनी इमेज है उसको अपलोड करेंगे। उसके बाद है अपलोड कैंडिडेट CNIC, आप यहाँ पे CNIC बे फॉर्म या NICOP जो पासपोर्ट जो फॉरेन कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पे उसकी पिक्चर अपलोड करेंगे। इसका भी साइज आपका लेस देन 1 MB होना चाहिए। इसे अपलोड करने के बाद, इसे सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे अपलोड के बटन पे क्लिक कर देंगे। अब ये साइट फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली, अब आपकी ये हो गई। उसके बाद आपके पास स्टेप टू आ जाएगा प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन।
इसमें आपकी आपकी आईडी लिखी होगी, आपका नेम, आपका सीएनआईसी ऑलरेडी लिखा होगा। आप यहाँ से अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे, आप मेल हैं या फीमेल है। उसके बाद आप अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर, आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर करेंगे। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद आप अपना प्रोविंस सेलेक्ट करेंगे यहाँ से। जो पंजाब के बच्चे हैं वो पंजाब, जो केपी के हैं वो केपी के, जो इस्लामाबाद के हैं वो आईसीटी को सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करेंगे आपका पेज एक दफ़ा रिफ्रेश होगा, लेकिन इससे आपने ये नहीं कहना कि फॉर्म मेरा गायब हो गया, कुछ नहीं, सिर्फ एक मिनट बाद आपका पेज दोबारा सामने आ जाएगा। नेक्स्ट आप लोग डोमिसाइल का रीजन सेलेक्ट करेंगे कि आपका किस शहर का। आप यहाँ से अपना सिटी सेलेक्ट करेंगे। सिटी सेलेक्ट करने के बाद आपके पास है सिटी ऑफ रेजिडेंस। रेजिडेंस होता है कि आप रहते कहाँ पे, जिस शहर में आप रहते हैं आप उसको भी सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ जाता है पेरेंट गार्डियन नेम, आपके पेरेंट या गार्डियन का नेम क्या। जिनके फादर जिंदा हैं वो अपने फादर का नेम यहाँ पे लिखें, जिनके फादर जिंदा नहीं है वो अपने गार्डियन, यानी आपका कोई जो सरबरा, आपका कोई चचा आपका सरबरा है, आपका कोई भाई सरबरा है आपका, आप उसका यहाँ पे नेम लिखेंगे। नेम लिखने के बाद आप अपने फादर का सीएनआईसी यहाँ पे एंटर कर देंगे। सीएनआईसी एंटर करने के बाद आप अपनी नेशनैलिटी को चूज करेंगे कि आप पाकिस्तानी हैं या किसी और कंट्री से बिलोंग करते हैं। अगर आप किसी और कंट्री से बिलोंग करते हैं तो आप फॉरेनर पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है HSSC, FSC, A-Level या 12th ग्रेड। आपने अपनी FSC या 12th जो भी आपने A-Level किया है, आपने किस इंस्टीट्यूट से किया है, आप उसका नेम लिख देंगे यहाँ पे, नेम मेंशन कर देंगे आप उसका। उसके बाद आप अपने अपना लिखेंगे पोस्टल एड्रेस। पोस्टल एड्रेस यानी आपके जो घर का एड्रेस है, आप वो कंप्लीट यहाँ पे अपना एड्रेस दे देंगे। हाउस नंबर भी आप मेंशन कर दें ताकि अगर कोई मेल पोस्ट के थ्रू कुछ भेजा जाए तो आपको मिल जाए। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा डिजायर्ड एग्जाम सेंटर कि आप किस प्रोविंस में, किस सिटी में अपना एग्जाम देना चाहते हैं। आप यहाँ से जहाँ आप रहते हैं आप अपना करीबी, पहले आप अपना प्रोविंस सेलेक्ट करेंगे आप किस प्रोविंस के। जैसे ही प्रोविंस सेलेक्ट करेंगे आपका पेज फिर से रिफ्रेश होगा। अब इसमें यहाँ पे आपसे दो प्रेफरेंसेस मांगी हुई कि क्या आप इस सेंटर में, दो सेंटर्स आप दे रहे हैं इनमें से कोई भी वो सिलेक्ट कर देंगे आपके लिए। उसके बाद आप अपना टेस्ट सिटी सेलेक्ट करेंगे जो आपके करीब है शहर या जिसमें आप रहते हैं, आप उसे सिलेक्ट कर दें। सेकेंड पे आप किसी और शहर को चाह रहे हैं कि अगर फैसलाबाद में नहीं तो लाहौर में हो जाए, तो आप उसको भी सिलेक्ट कर दें। सिलेक्ट करने के बाद आप इसे सेव के ऑप्शन पे क्लिक कर दें। सेव करने के बाद आपके पास नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, नेक्स्ट आपकी इंफॉर्मेशन सेव होगी। नेक्स्ट आपके पास स्टेप 3 आ गया, डाउनलोड चलान फॉर्म। चलान फॉर्म यानी आपकी जो फीस स्लिप है वो आपने यहाँ से डाउनलोड कर लेनी है अपनी। इसे डाउनलोड करेंगे, ये यहाँ से डाउनलोड हो जाएगी। अब मैं इसे आपको ओपन करके दिखा देती हूँ। ये चलान के नाम से फाइल आ गई, आप इसे ओपन करें। उसके बाद अब आपके देख रहे हैं कि आपका डिपॉजिट स्लिप आईडी, आपका नेम, आपका सीएनआईसी, आपकी पेमेंट इशू डेट जो भी है आपकी, वो सारा यहाँ पे डिटेल आपकी आ जाएगी। अब आप देखें कि आपके पास चलान के ऊपर तीन कॉपीज हैं, एक बैंक कॉपी, एक नम्स कॉपी और एक कैंडिडेट कॉपी। जब आप बैंक में जाएंगे आपके पास नीचे ये दो ऑप्शंस आपको नजर आ रही हैं, डिपॉजिटर्स नेम्स एंड डिपॉजिटर्स सीएनआईसी। डिपॉजिटर वो होता है जो पेमेंट करता है। आप यहाँ पे अपना नेम और अपना सीएनआईसी लिख के फिर बैंक में जाएंगे, वो इसके ऊपर स्टैम्प करके बैंक कॉपी अपने पास रख लेंगे। आपको स्टूडेंट कॉपी और नम्स कॉपी आपको वापिस कर दी जाएगी। अब आपने क्या करना है, वो कॉपी लेके अब आपके पास उसने पूछा अपलोड चलान, आप यहाँ चूज फाइल करके अपना, जब आप पे कर देंगे चलान को, उसके बाद आपने आके चलान की जो इमेज लेनी है, आपने जो नम्स कॉपी है उसकी आपने इमेज लेनी है। इमेज लेने के बाद आपने इसे यहाँ पे अपलोड कर देना। जैसे ही आप इसे अपलोड करेंगे उसके बाद आपको कुछ दिनों बाद आपको आपके रोल नंबर स्लिप इशू हो जाएगी। जैसे अब आपको रोल नंबर स्लिप इशू होगी फिर आप उसका प्रिंट वगैरह निकलवा लेंगे। रोल नंबर स्लिप पे आपका सेंटर मेंशन होगा, जो आपने दो सेंटर सेलेक्ट किए हैं उन्हीं में से आपको कोई सेंटर दे दिया जाएगा जहाँ पे आपका टेस्ट हो। ये था आपका कंप्लीट रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस। मजीद वीडियोज़ के लिए, मजीद इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहे। अल्लाह हाफ़िज़।